नमस्कार इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग बलिया, चिलकर वीडियो की भ्रष्टाचार के विरोध में आत्मदाह करने को टावर पर चढ़ गए छिब्बी ग्राम प्रधान। बलिया नंबर के रसड़ा तहसील के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत चिलकर कार्यालय पर ग्राम सभा छिब्बी के प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह अपनी मांगों को लेकर आत्मदाह करने को तैयार टावर पर चढ़ गए। आपको बता दें कि छिब्बी ग्राम सभा में प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह सीधा शब्दों में चिलकर वीडियो पर आरोप लगाते हुए कहा कि चिलकर वीडियो विकास कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं जनपद बलिया ब्लॉक चिलकर ग्राम सभा छिब्बी के प्रधान पति सुरेंद्र नाथ सिंह मेरा नाम है। जी जी प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, कल ये घटना घटी था आप टावर पर चढ़ चुके आत्मदाह करने के लिए, क्या मामला आपका विधर बताइए। मामला ये है कि यहाँ खंड विकास अधिकारी चिलकहा श्री अशोक जी, अशोक कुमार, यहाँ आए हुए इनका एक महीना हो गया, एक महीना में किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करते हैं। यह हम लोगों का कार्य, प्रधानों का कार्य, प्रत्येक ग्राम सभा में जो कि नरेगा का कच्चा काम होता है उसमें पक्का और कच्चा का रेशियो से मिलता है कार्य, पक्का कार्य। इस कार्य को कराने के लिए हम लोग फाइल बनाते हैं, 40 और 60 का रेशियो होता है, 40-60 के रेशियो से फाइल बनाई गई है और कि पक्का काम कराया जाएगा, लेकिन उस पर ये दस्तखत नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे। कई बार मैं 2-3 बार इनसे ये बात रखा, जिसमें गौरी शंकर सिंह जी भी आए थे, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं प्रधान संघ के, वे भी आए थे, बात किए, लेकिन बात नहीं बनी। किसी हालत में दस्तखत करने पर तैयार नहीं थे। शायद इनका कहना है कि प्रधान जबरदस्ती फाइल पर दस्तखत करा रहे थे। मैं जबरदस्ती नहीं फाइल पर दस्तखत करा रहा हूँ। ये आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं जितनी बड़ी सजा हिंदुस्तान की होगी भुगतने के लिए तैयार रहूँगा, लेकिन इस तरह की बात नहीं थी। ये बात इनकी मनगढ़ंत है, बात इनका कमीशन का चक्कर है। मैं अपने घर दरवाज़ा बनाने के लिए ये कार्य चाहे टावर पर नहीं चढ़ा था, मैं गांव के विकास के लिए चढ़ा था कि हमारे गांव में विकास हो जाए। मात्र नरेगा का काम जो ये पक्का है, मात्र ये जो है मार्च भर रहता है, मार्च के बाद ये समाप्त हो जाएगा, यह लेप्स हो जाएगा, फिर ये पैसा गाँव के विकास में नहीं लग पाएगा। इसलिए मैंने देखा कि ये पैसा सारा ये लेप्स हो जाएगा, इसलिए ये मैं कदम उठाया था। और मेरी मांग थी टावर पर चढ़ करके वीडियो को हटाया जाए, अन्य कहीं का भी वीडियो बुला दिया जाए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि शासन के अनुसार, शासन के नियम के अनुसार राजपैतृत अधिकारी एक जनपद में 3 साल से रहने का अधिकारी होता है, लेकिन इस शासन की क्या बात करूं, ये अधिकारी 3 साल से भी ज़्यादा हो गया जनपद बलिया से कहीं दूसरे जगह स्थानांतर नहीं जा रहा है। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आप आत्मदाह करने के लिए प्रयास किए, क्या उस समय कोई उच्च अधिकारी, क्या पुलिस बल यहाँ वहाँ उस समय मौजूद आई कि नहीं आई? पुलिस बल नहीं आई थी, यहाँ पर सारे प्रधान लोग थे, प्रधान संघ के अध्यक्ष थे, जिला पंचायत थे, और खुद खंड विकास अधिकारी चिलकहर बाहर निकल करके कहे कि हम फाइल पर दस्तखत करूँगा, आप अब उतर जाए, लेकिन अब तक फाइल पर दस्तखत नहीं है। वो तो ठीक है, वो आपको वहाँ के लोग आपका है, मैं प्रशासन में बता रहा हूँ, क्या जिले से कोई उच्च अधिकारी आया था या पुलिस आई थी कि नहीं आई थी? कोई नहीं, ना पुलिस आया, न जिले से कोई उच्च अधिकारी आया। मेरी मांग थी कि जिला अधिकारी महोदय आवें, CDO महोदय आवें, उनके सामने बात रखी जाए, लेकिन कोई यहाँ पर आया नहीं। जी जी, तो अभी आपकी क्या मांग पूरी हो गई या अभी क्या चाहते हैं? हमारी मांगे कोई नहीं पूरी हुई है, मेरी मांग ये कही है कि खंड विकास अधिकारी चिलकहर अशोक कुमार जी को यहाँ से हटा करके दूसरे जगह कर दिया जाए। जी, क्या आपके अगर मांगे नहीं पूरी गई तो आगे क्या करेंगे आप? हम अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर मैं अनशन पर इस ब्लॉक के अंदर मैं बैठूंगा। जी जी, अभी आपने बताया जैसे उनके हस्ताक्षर न करने को विकास कार्यों में बाधित पड़ रही है, तो क्या इनके खंड विकास अधिकारी विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं क्या? ये कमीशन के चक्कर में बाधा डाल रहे हैं, तभी तो फाइल पर आज तक दस्तखत नहीं किए हैं। जी जी, क्या आपके पास सबूत है तो वो आपसे कमीशन मांग रहे हैं? सबूत तो नहीं है, लेकिन मकसद को समझिए कि मकसद क्या है कि फाइल पर दस्तखत नहीं हुई। क्या आपसे वो कहे हैं कमीशन करने के लिए, मांगे थे वो? कमीशन तो नहीं मांगे हैं, लेकिन पिछले खंड विकास अधिकारी के बारे में जानना चाहते थे कि वो क्या ले दे रहे हैं। इनका भी मनसा वही था कि हमारी लेन देन की बात हो जाए, लेकिन ऐसी बात अभी नहीं बनी, इसीलिए फाइल पर दस्तखत नहीं कर रहे थे। और समय भी बहुत कम है और 10 दिन में ये समाप्त हो जाएगा, हमारा पैसा सब लेप्स चला जाएगा। अशोक कुमार, वीडियो चिलकहर। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, कल कुछ मदद करने के प्रयास किए प्रधान प्रतिनिधि ने, उनका ये आरोप है
कमीशन को लेकर विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं, कमीशन को जो फाइल बसा नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से आत्मदाह करने का प्रयास किया। ये क्या मामला है, आपके ऊपर तमाम दल का आरोप लगा रहे हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं हम। उनका आरोप निराधार है, वो सिर्फ पक्के कार्य पे ही स्वीकृत चाहते हैं और सभी पेवर्स ब्लॉक पे, जो नियमानुसार संभव नहीं है। उनका ये कहना है हम लोग काम करा रहे हैं, परंतु उनका किसी भी प्रधान के फाइल पर कोई सा नहीं, तो जो भी आपके ऊपर आरोप निराधार निराधार है। जो कहा वो उनका ये भी एक आरोप है, अगर हम कई बार उनसे निवेदन किए तो उनका ये कहना जो पूर्व में वीडियो थे वो किस तरह की काम करते हैं हम देखने के बाद ही हम और इस तरह काम करेंगे। नहीं, हमने नियमानुसार काम करने के लिए कहा है, नियमानुसार जो काम होंगे वो होंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।